इसका नंबर भी भाई ने अच्छा ले रखा है, यहाँ से आपका पूरा ऊपर चलेगी भाई। यहाँ से एंट्री हुई है एंड ये पार्किंग की कुछ रसीद टाइप दे दी है, फ्री पार्किंग है यहाँ पे। तो देखते हो टच है, मतलब सब चीज टच, आप छूओगे यहाँ से वो सब चीज की। तो भाई यार रात हो चुकी है अभी एंड अभी कितना बज रहा है सुनील भाई, 6:48 हो रहा है भाई, सामने मजबूरी चल रही है अपनी। कुछ खाने पीने की व्यवस्था देखने, मतलब थोड़ा देखने जा रहा है भाई नोएडा में ना आसपास क्या बढ़िया कैसे है ना। पहली बात तो यार व्हाइट कलर में थार जिसने कभी ना देखी हो ना भाई, हम लोगों ने तो नहीं देखी सचिन भाई, आगरा में एक भी गाड़ी नहीं है व्हाइट थार के नाम पे, तो एक भी नहीं है। और यार बहुत सुंदर लग रही थी, और वो जो उसका बम्पर है ना वो मेटल वाला जो आगे आप देखते हो यार, वो क्या गदर लग रहा था, मतलब वो फाइबर में तो चीज आ ही नहीं सकती है भाई। बलेनो का ना बेस मॉडल है सामने ये, एंड इसका रिव्यू तो मैं कर चुका हूँ, अभी वीडियो आ जाएगा थोड़े दिन में आप लोग देख लोगे। मगर यार जो तीन डॉट दिखते हैं ना लाइटों के अंदर बहुत गदर लगते हैं भाई। कल तो ऐसी ऐसी गाड़ी देखने को मिल जाएंगी ना, मैं तो, मेरे को तो आज ही देखने को मिल गई, मजा आ गया यार। मतलब EQB देख ली हमने, मर्सिडीज की EQS, सॉरी EQS थी, इलेक्ट्रिक थी फुल, एंड सचिन भाई कौन सी थी वो BMW IX देखने को मिल गई, पोर्शे टाइकन देखने को मिली मेरे को यार, मतलब गजब की गाड़ी है सारी भाई। अभी ना इधर बलेनो में तो पेट्रोल डल रहा है, सचिन भाई यहाँ पे देख रहे हैं बेरोजगार भत्ता योजना 6,000 रुपए मिलेंगे। मेरे पास A4 की चाबी आ गया है भाई आपका ना, ये 1 साल पहले वाला मॉडल है, मतलब रिसेंट ही है। यही शेप आपको देखने को मिलती है ना, बहुत ज्यादा सेक्सी लगती है। एक बार फ्रंट से दिखाऊं ना, अनलॉक जैसी करते हैं ना भाई, कमाल लगती है यार, इतनी सेक्सी कर दी है ऑडी ने अब तो। ये अंदर बैठते हैं एक बार, पुश बटन वो सब चीज़ तो भाई कॉमन मिलती है आपको, जैसे आप इसको अनलॉक करते हो यू विल सी भाई आपका पूरा प्रोजेक्शन वगैरह वो सब चीज़ मिल जाती है। जैसे आप अंदर बैठोगे ना भाई, लग्जरी जो पूरी देती है ऑडी, वो पूरा सिस्टम आपको उसके यहाँ देखने में बजाय एम्बिएंट लाइटिंग वगैरह सब चीज़ प्रॉपर है। डोर को मैं करता हूँ भाई एक बार बंद आपका, यहाँ से एक बार इसको स्टार्ट करते हैं, बटन यहाँ पे मिल जाता है आपको इसका, गाड़ी आपकी एक बार में स्टार्ट। एंड भाई लैम्प्स वगैरह देखते हो टच है, मतलब सब चीज़ टच, आप छूओगे यहाँ से वो सब चीज़ Q7 आपको जो देखने मिलता है ना वही आपको सब चीज़ इसके मिल जाए देखने के लिए। लोडिंग सिस्टम वगैरह सब चीज़, वर्चुअल कॉकपिट वाला आपका ये नहीं है, उससे नीचे वाला आपका ये मॉडल मिलता है आपको। एंड मैनुअल सीना भाई बहुत ज़्यादा टॉप नॉच लग्जरी आपको फील होती है इसके अंदर। स्टेयरिंग को एक बार मैं हल्का सा अपने हिसाब से ऊपर कर लेता हूँ थोड़ा, टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक आपको दोनों चीज़ मिल जाती है गाड़ी के अंदर, फील है यार, मतलब अब तो पेट्रोल में ही आ रही है। वरुण भाई आपने कितनी पका रखी है ये? मैं 110 मतलब चलाई है आपने, 200। बहुत सही यार, बहुत सही यार, रिफाइनमेंट कितना फील होता है ना यार, ऐसा लगता है चिपक के चल रही है। आप बैठते हो ना एसयूवी वगैरह, भाई हम तो क्रेटा चला रहे हैं, उसके अंदर वो जो चीज है ना भाई, इसके अंदर वो नहीं है, आपको बिल्कुल चिपक के चलती है पूरा। ये ऑन वगैरह भी बहुत प्रीमियम है, बहुत प्रीमियम है, सर्विस भी यार ज्यादा कॉस्टली नहीं पड़ती इसकी, 32-33 हज़ार के आसपास की आपकी पड़ जाती है एक साल के अंदर, या फिर 15,000 किलोमीटर आपका जो भी चीज है। यार जैसे इससे उतरते हैं आपका ना, लोगो बहुत सेक्सी लगता है, देखते हो आप, रियर लुक दिखाऊं आपको यार, बहुत कमाल की लगती है रियर से तो यार। एंड इसका नंबर भी भाई ने अच्छा ले रखा है, यहाँ से आपका ये पूरा ऊपर चले जाएगी, क्रिकेट की किट वगैरह रखी हुई है पूरा। एंड भाई फ्रंट लोग है, मतलब यार गाड़ी ना इतनी सेक्सी लग रही है ये वाली तो। A4 यार मैंने और भी वाइट चलाई हुई है आपकी, Q7 चलाई हुई है मैंने, वोल्वो XC60 और सब चला रखी है मैंने ज़्यादातर तो, एक्सेप्ट कुछ गाड़ी छोड़ के। आपका पेट्रोल यहाँ से डलता है वो सब चीज़, DPF वगैरह इसका कोई रट्टा है नहीं, बिकॉज ये क्लीन है यार, बहुत ज़्यादा साइलेंट है, इसका हैंडल ना ऊपर की तरफ खुलता है आपका, एक एमी लाइटिंग इसके अंदर, इंजन स्टार्ट ऑफ है आपका, यहाँ पे आपका 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट है, USB वगैरह सब चीज़ है ना, दिन में दिखाऊंगा आपको, बहुत सुंदर गाड़ी है, कहते हैं ना बहुत ज़्यादा अल्ट्रा सुंदर कहते हैं ना वो चीज़ है। सिगरेट लाइटर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है इसके अंदर, व्हाट इज अप गाइस, गुड मॉर्निंग भाइयों। एंड अभी आपका टाइम हो रहा है यार इसके अंदर 9:10, ब्रेकफास्ट वगैरह करके पूरा हम ऑटो स्मार्ट पहुंच के यार, एंड गाड़ी में भी चश्मा वश्मा साफ कर रहा हूँ, थोड़ा सा भाई बैठे हुए हैं साथ में, तो यार निकलते हैं यहाँ से। एंड पूरा बगल में तो लाइक बहुत ज़्यादा कोल्ड हो गया था भाई रात के टाइम में, तो थोड़ा सा ना भी कोल्ड स्टार्ट करी है गाड़ी मैंने, एंड फ्यूल भी यार काफ़ी सही है, मतलब आप देखते हो ना रेंज की जब बात करता हूँ ना मैं इसकी, बहुत सही दी है इसने कल, कल आपको दिखाऊंगा एक बार इसके, 213 चलिए, 22.4 का माइलेज दिखा रही है ना यार। 2 कप चाय ली है, बीकानेर वाले पे आए हुए थे यहाँ पे सुबह सुबह, एंड डोसा वगैरह भी आ रहा होगा, चाय का कप सॉलिड है, चीनी छोले भटूरे आ चुका है भाई। ये ना आपका पूरा यहाँ पे लगा हुआ ऑटो एक्सपो, एंड पार्किंग आप देख रहे हो ना यहाँ पे लिखा हुआ है पार्किंग, एग्जीबिटर मीडिया पार्किंग, तो पूरा ना यहाँ पे सर्कल जैसा है, आगे चल के यहाँ पे आपकी गाड़ी पूरी खड़ी होगी, एंड यहाँ पे तो लगाने का कोई है ही नहीं सौदा, मतलब कैसे लगेगी ना।
आगे ही गाड़ी लगानी है, यहाँ तक मतलब इतना दूर तक ना भाई चल के आना पड़ेगा पूरा आगे, मतलब गाड़ी वहां लगा के पूरा फिर यहाँ तक चल के आओ। और हो सकता है भाई यहाँ से एंट्री हुई है एंड ये पार्किंग की कुछ रसीद टाइप दे दी है, फ्री पार्किंग है यहाँ पे, तो फ्री पार्किंग हम यहाँ पे गाड़ी लगा लेते हैं अपनी पास में ही ना। यहाँ पे तो अभी गार्ड वार्ड ने पूरा बंद कर दिया है ना ये, अब आगे ही लगेगी यार, भीड़ बहुत जल्दी आ गई सुबह, गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ पूरा, इधर भी इधर देखो यार, इधर लगा लेते हैं। यहाँ पे खड़ी करते हैं गाड़ी को, गिम्बल वगैरह तो मैं लेने जा रहा हूँ एंड गाड़ी को लॉक करते हैं। आईपैड रख लिया मैंने अपना, माइक वगैरह सब चीज़ हो गई है। भीड़ देखो आप यार, पूरा वाइब है इधर। तो भाई वी आर एंटरिंग एंड यहाँ पे हमारा पास वास चेक होगा पूरा। आओ सचिन भाई, ये सिक्योरिटी चेक है पूरा, गेट नंबर 2 से एंटर कर रहे हैं, पास है हाथ में। तो भाई यहाँ पे आपका ना देख रहे हो पूरा इतना ये सब चीज़ें, अंदर चलते हैं हॉल 10 में, जेम्स पवेलियन, विंटेज पवेलियन एंड सुपर कार पवेलियन, तो वो सब चीज़ की लिस्टिंग है। चलो ब्रो अंदर चल। तो भाइयों यहाँ से आप आ जाते हो एंड भाई VIP एंट्री है, सिक्योरिटी चेक गेट नंबर 3 है ना, ये सब पूरा इंपॉर्टेंट लोगों के लिए है। यहाँ से आपका स्टार्ट है पूरा एंड वी आर एंटरिंग भाई, दिस इज़ द इंडिया एक्सपो मार्ट एंड बहुत ज़्यादा बड़ा है, मतलब एरिया ना बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो भाई शायद से Hyundai का पवेलियन ना इसके अंदर देखने को मिलेगा एंड वी आर एंटरिंग। अच्छा हॉल 7 आपका यहाँ पर है, दिस इज़ द हॉल 7। किया का वी हैव इट हेयर, किया मोटरसाइकिल, किया को एंटर कर रहे हैं पूरा एंड काफ़ी सही होने वाला है भाई। एक्स लाइन वगैरह आप देख पा रहे हो, पूरा वाइब है, बहुत ऑसम वाइब देखने को मिल रही है पूरा एंड गाड़ी वगैरह आपकी सब चीज़ यहाँ पर है। या किया की एंट्री में अभी 11 बजे खुलेगी, अभी टाइम नहीं हुआ है आपका, तो पहले BYD एक बार चेक करते हैं पूरा एंड काफ़ी ज़्यादा सही लग रहा है भाई देखने के अंदर। ऑटो 3 अभी लेटेस्ट रिसेंट लॉन्च जो है इनका वो है पूरा, और यहाँ पर भी आपकी प्रवैक की लाइक खड़ी हुई है, वीर प्रवैक वीर, यार क्या सही लग रही है ना पूरा, आप देख रहे हो एक कॉन्सेप्ट टाइप ही अभी तो, मतलब ना आपका प्रोडक्शन रेडी मॉडल नहीं है ये, इसके अंदर ना भाई एयर लाइक आपकी फोर्सेस के लिए वो सब चीज़ पूरा दिया हुआ है पत्थरों पे ना पूरा दिखाने के लिए, प्रवैक वीर यहाँ पे ब्रांडिंग है। एंड यार आप देख रहे हो ना मतलब पूरा ना कितना सही काम करा हुआ है पूरा, ऑक्सिलरी आपकी राइफल वगैरह पूरा इस पर यहाँ पे फिट हो जाएगी ना पकड़ने के लिए, ग्रैब रेल्स वगैरह वो सब चीज़ प्रॉपर है एंड यू कैन सी आपका भाई थर्मो सेंसर इसके अंदर है ना, क्योंकि पूरी मैपिंग आपको देखने को मिल रही है ना, इट इज़ अमेजिंग यार भाई। 360 व्यू थर्मल कैमरा आपको इसका देखने को मिल जाता है यार, कमाल है, मतलब फॉर द फोर्सेज ना बहुत ज़्यादा सही व्हीकल है ये, यू कैन सी मतलब टायर साइज वाइज आप देखते हो ना बहुत सही है, मतलब चढ़ने उतारने में डिस्क विस्क सब चीज़ प्रॉपर मिलती है, अच्छा है यार मेरे को बढ़िया लगा। एंड छुपने के लिए कोमो फ्लेक के लिए देख रहा हूँ ना ये सब चीज़ें, प्रिंट्स वगैरह इंडियन का फ्लैग सब चीज़ आपको देखने को मिल जाती है। इंटीरियर इज़ वेरी डोप, सही है, मतलब प्रोडक्शन रेडी मॉडल नहीं है आपका ये वाला, यू कैन सी अच्छा लग रहा है। एंड ग्रैब हैंडल्स आपके यहाँ पे मतलब पूरा लोहे का, वेल्डिंग के जॉइंट्स वगैरह देख रहे हो अच्छा लग रहा है। तो दिस इज़ द वीर फ्रॉम प्रवैग यार, BYD की ऑटो 3 आपके यहाँ पे खड़ी हुई है, चार्ज जोन आपका ना यहाँ पे चार्ज हो रही है गाड़ी है, ये भी सही है देखने के अंदर। मैप माई हाउस, मैप माई इंडिया के आपको GPS वगैरह पूरा देखने को मिल रहा है इसके अंदर। यार गाड़ी देखते हो ना क्या सही लगता है, इसका DRL वगैरह प्रॉपर दिखता है लोग यार, ये पूरा आपका यहाँ पे चार्ज हो रही है अभी एंड सेक्सी लग रही है यार देखने में, तो बढ़िया लग रही है, लुक इज़ गुड, अच्छा लग रहा है ना, काफ़ी बढ़िया लग रहा है। यहाँ पे आपका भाई बात करते हो ना, यहाँ पे ये है आपका रूट्स का, ये यहाँ पे खड़ा हुआ है लाइक छोटे मिनीचर गोल्फ कार्स कह लो, इलेक्ट्रिक है ये सब चीज़, एवरीथिंग इज इलेक्ट्रिक, देखने को सही है। सामने पूरा BYD आपका, दिस इज़ ऑल BYD, पूरा पवेलियन BYD का लगा हुआ है यहाँ पे एंड यार गाड़ियाँ सॉलिड लग रही है, मतलब ऑटो 3 है इनकी, BYD सील उधर खड़ी हुई है आपकी। यहाँ से भाई इसका ब्लू कलर आप देख रहे हो, ब्लू कलर इज लुकिंग डिसेंट। इधर आपकी अभी तो लॉन्च भी नहीं हुआ है प्रोडक्ट आपका BYD सील, बहुत सही लग रहा है यार, स्पोर्ट्स कार जैसा फील है पूरा, पियानो ब्लैक है यार, प्रोफाइल भी सही है आपका, 19 इंच का टायर है इसका, 19 इंच का, ये भी BYD ऑटो 3 खड़ी है आपकी, बट यार ये गाड़ी ना बहुत ज़्यादा सही लग रही है मेरे को देखने के अंदर। तो बस अली पवेलियन भी बहुत ज़्यादा अच्छा डिज़ाइन करा हुआ है BYD ने पूरा यार,
ये आपकी ऑल न्यू E6 खड़ी हुई है, दिस इज़ द E6 फ्रॉम BYD, इसको भी लाइक डिसेंट है, बहुत सही है, पूरा आपका ग्लास वगैरह नीचे लगा हुआ है इसके अंदर, लेट मी स्टेप ऑन इट। एंड डोर्स की अगर आप बात करते हो, कैन सी यार क्वालिटी इज़ प्रीमियम, बहुत सही है, मतलब इट्स वेरी डिसेंट, वेरी अप मार्केट, डोर्स आर ऑल्सो वेरी गुड, वेरी डिसेंट प्रोडक्ट है, काफ़ी बढ़िया लगा। रियर प्रोफाइल स्पेस वगैरह प्रॉपर है, स्पेस है ना, E6 मॉडल है आपका, ये अच्छा है देखने के अंदर, तो बढ़िया लग रहा है यार, इट इज़ लुकिंग डोप यार। ये प्लेटफॉर्म है इसका पूरा, एंड पावर ट्रेन की तरह आपका बैटरी रियर में प्लेस है, चेसिस देखते हो आप पूरा, लेफ्ट डोमेन कंट्रोल यूनिट, वो सब चीज़ देख रहे हो ना, टायर्स वगैरह आपका, दिस इज ऑल्सो BYD, एंड टायर सेक्शन और सब चीज़ अच्छा है यार, बड़ा बढ़िया काम करा हुआ है यार। ये चीज़ देखो यार, कितनी ज़्यादा पतली सी है, बहुत ज़्यादा अब मार्केट सी लग रही है देखने का, अट्रैक्टिव लग रही है, DRL वगैरह इंडिकेटर वगैरह सब चीज़ है इसके अंदर आपकी, देखते हो एंड इंटीरियर देखते हो ना, यू कैन सी आपकी सिंगल सीट है, पीछे भी आपका ऑक्यूपेंट बैठ सकता है इस पर, सनरूफ वगैरह कुछ नहीं है, ग्लास एरिया है आपका बेसिकली, ईवा है एंड इंडियाज फर्स्ट सोलर कार, दिस इज द सोलर पैनल, सोलर कार है आपकी, चार्ज यहाँ से हो रही है आपके, एंड अच्छा है, लाइक इट्स गुड लुकिंग, वेरी डिसेंट, बढ़िया लग रहा है मेरे को तो यार। सी दिस जगुआर, ये आपकी जगुआर यहाँ पे पार्क्ड है, एंड दिस इज लाइक टाटा पावर EZ चार्ज I-PACE, लुकिंग सो डोप, इट्स लॉक्ड है भाई, लॉक्ड है अभी, एंड सी इंटीरियर इज लुकिंग फाइन, फ्रंट प्रोफाइल ये भी इलेक्ट्रिक है, दिस I-PACE, यू कैन सी यार बहुत सही लग रहा है ना, कमाल की गाड़ी लग रही है देखने के अंदर तो, पियानो ब्लैक टचेस, रूफ वगैरह फुल बैक एडास इसका आपके अंदर आ जा रहा है पूरा,